नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां आदमपुर में जजपा की प्रचार से दूरी ने बढ़ाई टेंशन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बुलाएंगे कुलदीप बिश्नोई। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आदमपुर उपचुनाव में जजपा नेताओं की चुनाव प्रचार से दूरी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई प्रचार के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बुलाएंगे। इसके लिए वह भाजपा के जरिए मांग करेंगे। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि भव्य भाजपा और जजपा का साझा उम्मीदवार है। दुष्यंत चौटाला को चुनाव में प्रचार के लिए आना चाहिए। वे पार्टी के माध्यम से उनके पास मांग भी भेजेंगे। बता दें कि पहले भव्य बिश्नोई के पोस्टर में दुष्यंत चौटाला की फोटो नहीं लगाई गई। जब इस पर विवाद हुआ तो नए पोस्टरों में भाजपा नेताओं के साथ दुष्यंत चौटाला की भी फोटो लगाई गई। भव्य बिश्नोई के नामांकन के दिन जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह पहुंचे थे। प्रदेशाध्यक्ष का कहना था कि दोनों पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। वो आदमपुर उपचुनाव सह प्रभारी कृष्ण पवार भी कह चुके हैं कि जल्द ही भाजपा जजपा कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त मीटिंग बुलाई जाएगी और चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर जजपा ने दिल्ली में अपनी मीटिंग भी बुलाई थी, परंतु पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाने का फैसला लिया। खुद अजय चौटाला कह चुके हैं कि चुनाव में जजपा गठबंधन धर्म निभाएगी। हरियाणा की राजनीति में चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल दुर्विरोधी थे। भजनलाल ने देवीलाल को सीएम पद से हटाकर खुद कुर्सी हासिल कर ली थी। आदमपुर में चौधरी देवीलाल भी भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु जीत नहीं सके। रणजीत चौटाला भी किस्मत अजमा चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला कुलदीप बिश्नोई को हरा चुके हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2005 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से और 2011 में हिसार उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई अजय चौटाला को हरा चुके हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।